नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आशोगी टूडे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम हुसैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझ लेते हैं फ्लो मेजरमेंट के अंदर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के बारे में। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से ये हम काम करता है और कहाँ पर इसका यूज करते हैं, किस टाइप का फ्लो का मेजरमेंट इस अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लो मीटर के द्वारा हम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक एडिटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नोटिफिकेशन देगा, उसको भी ऑन कर दें। बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि हम इस चैनल पर इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी न्यू वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लो मीटर क्या होता है। देखिए, फ्लो मेजरमेंट के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, कई सारे टाइप के फ्लो मीटर रहते हैं, लेकिन सभी फ्लोमीटर्स की अभी अपनी अपनी लिमिटेशंस रहती हैं और अपनी अपनी एप्लीकेशंस रहती हैं, मतलब कि किस टाइप के फ्लो में किस टाइप का हम फ्लोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक की एक दो कंडीशंस है वो हम बताते हैं आपको। पहली बात तो ये कि जो लार्ज डाया के पाइपलाइन रहती है, यानी कि वीक पाइपलाइंस में जनरली इस टाइप के फ्लो मेजर अल्ट्रासोनिक टाइप अरेंजमेंट जो रहता है फ्लो मेजरमेंट करने वो यूज़ किया जाता है। यदि नैरो डायमीटर की पाइपलाइन है तो उसमें इसका कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर हम टर्बाइन फ्लोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर और भी कई सारे फ्लोमीटर्स हैं, या आपका जो है फ्लो ट्रांसमीटर, ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो ट्रांसमीटर जनरली अक्सर फ्लो मेजरमेंट यूज़ किया जाता है, जिसमें HPLP दो टैपिंग के द्वारा हम DP प्रेशर क्रिएट करके उसको फ्लो मेजरमेंट। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासोनिक काम क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है वो बताऊंगा, पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये सपोज ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में हमारे क्या है कि दो हमने अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे देखें, ये रेड कलर से मैंने शो किया है, ये आपका जो है, ये मान लीजिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर फर्स्ट है, इसको ए नाम दिया, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर वी है, इसको सेकंड, इसको बी नाम दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका डाया काफी बड़ा डाया है, इसमें से आपका फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, या फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा बोला बात की बात है, पहले कष्ट से समझ लेते हैं। तो इनको इस तरीके से लगाया जाता है, देखा जाए तो इंक्लाइंड एक एंगल पे लगाया जाता है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे, इंक्लाइंड लगाएंगे, मतलब कि काफी कुछ डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, 45 एंगल आप मान सकते हैं या 45 से 30 एंगल मान सकते हैं, 30 एंगल के झुकाव पर एक दूसरे को लगाया जाता है। ठीक है, इनमें से दोनों ही ट्रांसमीटर और दोनों ही रिसीवर का काम करते हैं। कैसे काम करेंगे समझेंगे, तो ये हो गया। अब देखो कैसे काम करेगा ये, कि मान लीजिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर ए है, इसको सेंसर ए भी बोल सकते हैं आप, लिख दें हम सेंसर ए। ठीक है, सेंसर ए, इसको हम सेंसर बी भी बोल सकते हैं, सेंसर बी, सेंसर बोलो या अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर बोलो, बात एक ही है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वन फॉर्म एनर्जी को अनदर फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेंसर क्या होता है, सेंस करना, या ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, वेव्स को ट्रांसमिट करना, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड वेव्स को। ठीक है, तो अब हम इसकी समझ लेते हैं वर्किंग कैसे होती है। देखिए, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर में क्या रहता है कि दो सेंसर से दोनों अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और दोनों ही रिसीव करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रांसड्यूसर ए अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जब आपकी कंडीशंस की इसमें कोई फ्लो नहीं है, तो वेव प्रोड्यूस की इस सेंसर वी ने, इसको सेंस की, इस सेंसर वी ने प्रोड्यूस की, सेंसर ए ने सेंस की, दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा काम करते हैं। अब मान लीजिए कि फ्लो आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें सेंसर ए से जो आपकी वेव्स की, मान लीजिए उसको टाइम टी ए लगा, टी ए बी लगा सेंसर ए से जाने में बी तक, और वी ने जो वेव्स प्रोड्यूस की उसको लगा टी बी ए। ठीक है, तो टी ए भी इक्वल टू हो जाएगी टी बी ए व्हेन आपका एनी कोई इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब टाइम डिफरेंस इसमें जीरो आया, मतलब कि इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है, समझ गए आप। अब मान लीजिए फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो ए सेंसर से जो वेव्स निकलेंगी वो बी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, उसी कंडीशन सिचुएशन सेम टाइम में बी से कुछ एक और लगेगी, उसमें कुछ और समय लगेगा। अब यहां पे देखें, ट्रांजिएंट टाइम डिफरेंस पे यह कैलकुलेशन होती है, ट्रांजिएंट टाइम डिफरेंस की कैलकुलेशन के द्वारा ही फ्लो को मेजरमेंट करेंगे। कैसे, इस बेस निकली यू इंक्लाइंड है, यहां पे समझना एंगल की वैल्यू, समझना इंक्लाइंड है, यहां से वेव निकली तो मतलब कि लगभग फ्लो की डायरेक्शन में, तो इनको जाने में कुछ कम समय लगेगा। अब बी से जो रेज आएंगी वो फ्लो के अपोजिट आएंगी, अपोजिट थोड़ी सी, तो उनको ए तक आने में एक ही अपेक्षा कुछ ज्यादा टाइम लगेगा।
समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होगी, चूंकि वो फ्लो के डायरेक्शन जा रही, थोड़ा उनको कम समय लगेगा, उसी टाइम बी से जो रेज आएंगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी, उनको ए सेंसर तक आने में एक ही अपेक्षा कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल समझे, एक आपकी रिवर है, रिवर में आपका वाटर का फ्लो हो रहा है, उसमें दो नाव चल रही है, मान लीजिए एक रिवर की डायरेक्शन में चल रही है नाव, तो उसको दूसरी ओर जाने में या आगे डिस्टेंस कवर करने में कम समय लगेगा, एक अपोजिट आ रही है तो उसको डिस्टेंस कवर करने में अधिक समय लगेगा। समझ गए? रिवर का एग्जाम्पल, एक फ्लो के डायरेक्शन में नाव चल रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, तो जो डायरेक्शन में चल रही है उसको कम समय लगेगा और अपोजिट है उसको ज्यादा समय लगेगा। सेम टू सेम केस यहाँ अप्लाई होता है, ए से जो रेज निकली बी में पहुंचने में, बी तक सेंसर पहुंचने में कम समय लगेगा, एस कंपेयर टू बी, बी से ए तक आने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहां से ट्रांजिएंट टाइम डिफरेंस आएगा। तो मान लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ यहां पे क्या हो जाएगा, टी ए टी बी ए ग्रेटर देन हो जाएगा टी ए बी से, क्योंकि बी से ए तक आने में समय लग रहा है, तो इस टाइम डिफरेंस को ही कैलकुलेट किया जाता है। यह टाइम डिफरेंस जो है प्रोपोर्शनल रहता है किसकी, वेलोसिटी के, फ्लो की वेलोसिटी के। जितनी ज्यादा फ्लो होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम फ्लो वेलोसिटी होगी फ्लो की, उतना कम टाइम लगेगा बी से ए तक आने में। या यूं कहें, यदि मान लीजिए जीरो फ्लो रहा है, तो मतलब कि टी ए वी इक्वल टू टी ए वी, मतलब कोई टाइम डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टाइम लगेगा। उस केस में हम बोल सकते हैं कि फ्लो में कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे फ्लो की वेलोसिटी बढ़ेगी, फ्लो बढ़ेगा, उस केस में आपका बी से सेंसर से ए तक आने में और ए से बी तक आने में टाइम में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ये टाइम डिफरेंस जो बढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिएंट टाइम। तो इस ट्रांजिएंट टाइम के द्वारा ही डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उस फ्लो होने वाले उस पाइपलाइन में फ्लो की वेलोसिटी को। तो इन प्रिंसिपल पर अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लोमीटर काम करता है। समझ में आ गया आपको? उसी चलते मैंने आप कुछ थ्योरिकल लिखा है, लिखा है द अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर ऑपरेट यूजिंग द ट्रांजिएंट टाइम डिफरेंस। ट्रांजिएंट टाइम डिफरेंस का मेथड का यूज करके अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लोमीटर का यूज किया जाता है। द अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर आर ए साउंड वेव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए पाइप। ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रोडक्ट। द ट्रांजिएंट टाइम टी ए वी एंड टी ए वी आर मेजर्ड कंटिन्यूसली। द डिफरेंस बिटवीन टी ए बी ए माइनस टी ए वी इन टाइम ट्रेवल वाया द टू अल्ट्रासोनिक वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्लो वेलोसिटी वी एम। क्या निकला कंक्लूजन इसमें? जो आपकी वी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टी बी ए माइनस टी ए बी। बात समझ में आई आपको? वी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी ए माइनस टी ए वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टाइम डिफरेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम डिफरेंस कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। मतलब कि हम इसमें डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि इस पाइपलाइन में कितना फ्लो हो रहा है, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो समझ में आएगा आपको अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, और इसमें कुछ खास नहीं है, इसके कुछ दो लिमिटेशंस हैं। जो लार्ज डायग की पाइपलाइन रहती है उसमें यूज करते हैं, चाहे वो आपका लिक्विड है, ऑयल हो, वेस्ट वाटर हो और कोई वाटर हो, उसका हम इस पाइपलाइन में फ्लो होने वाले फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी का पता कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के द्वारा। समझ में आया होगा आपको? छोटा सा टॉपिक था अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर क्या होता है, किस तरीके से बस्टिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, वो आपको समझ लिया। तो कंस्ट्रक्शन में आप पूछने वाले पाइपलाइन में दो ओनली ट्रांसड्यूसर लगे हैं, इनको सेंसर ए एंड सेंसर बी का नाम भी आप दे सकते हैं। ट्रांसड्यूसर को हम जानते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी में किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लोमीटर क्या है, इस द्वारा किस तरीके से फ्लो का मेजरमेंट हम करते हैं। और यदि आपको ये बताइए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, आप हम फ्रेंड्स साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज बढ़ सके। और चाहते हैं इस प्रकार की हेल्पफुल एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगले एक और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।